शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पुण्य सवेरा
नयन मुक्ति धाम एक आँख में मुक्ति धाम बसा दूजे में जीवन मुक्ति धाम मन में मेरा मन मीत बसा मन में मेरा मन मीत बसा दिल में बसा वही दिलारा दर्पण से है समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को प्रभु का दीदार कराने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं शरीरी पल में बन जाए विस्तार को आओ सार करें अशरीरी पल में बन जाए मन सा सेवा करें फरिश्ता बन मन सा सेवा करे फरिश्ता बन अब सूक्ष्म वतन आए जाए तैयार है बाबा आप सबन तैयार है बाबा आप सबन हम घर अपने अब जाने को हम घर अपने अब जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं इशारे मिलते हैं अव्यक्त इशारे मिलते हैं अव्यक्त इशारे ओम शांति गुड मॉर्निंग आज रविवार की विशेष अव्यक्त मुरली है। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2022 और रिवाइज्ड कोर्स की तारीख है 18 जनवरी 93। जैसे कि हम जानते हैं 18 जनवरी को कौन सा दिवस है? स्मृति दिवस। और बाबा बहुत बार कहता है स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस पावरफुल बनने का दिवस। और पावरफुल बनने के लिए क्या जरूरत है? देखो पावरफुल बनना है कोई भी आदत को हमें अगर परिवर्तन करना है तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। और बाबा आज वही कह रहा है कि हमें स्मृति से अपने में समर्थी लानी है लेकिन हमारी प्रतिज्ञा उसके लिए दृढ़ होनी चाहिए। तो मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता का आधार
दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा हमें किस स्वरूप से देख रहे हैं? ये मेरे समर्थ बच्चे हैं। और क्यों कह रहे हैं बाबा समर्थ बच्चे? क्योंकि बाबा कहते जब से आपका जन्म हुआ है मैंने ऑलरेडी सभी शक्ति आपको दे दी है, लेकिन हम शक्तियों को यूज कैसे कर रहे हैं अपने प्रति और दूसरों को शक्तिशाली बनाने, ये हमें चेक करना है। तो क्या हमें लगता है हमें शक्तियां मिली है, या जब समय पर समय आता है तो यूज ही नहीं होती है? तो ये चेक करना है। तो बाबा कहते ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? बाबा कोई फिजिकल गिफ्ट तो नहीं देते हैं ना शक्तियों की, लेकिन कैसे दिया? बाबा कहता सेकंड में स्मृति दिलाई। बच्चे आप बहुत शक्तिशाली हो, बच्चे आप सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान, सिर्फ ये स्मृति और शक्ति जागृत हो गई। पहले जो निर्बल थे, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, बच्चे भगवान आपके साथ है, स्मृति और शक्ति आ गई। तो कैसे दिया बाबा ने ये खजाना? सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। तो ये रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। सिर्फ बाबा ने आकर बताया ना आप कौन से संकल्प तैयार कर रहे हो, उसको चेक करो, उसको परिवर्तन करो, तो शक्ति आ गई। मेरा माना, इसको मेरा माना, और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भगवान के खजाने कौन से? ज्ञान है, गुण है, शक्तियां है, सब उसके खजाने, और वो मेरा बन गया तो उसके खजाने मेरे बन गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या? एक है नशे से सिर्फ कहना कि भगवान के सब खजाने मेरे हैं, लेकिन दूसरा उन खजानों को यूज करना, समय पर उसको यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम कितना यूज करते हैं तो वो भी चेक करें। तो बाप के खजाने को अपना बना दिया। तो ये 18 जनवरी की मुरली है, इसलिए बाबा कहता आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थि देने का दिवस है। ये स्मृति दिवस बच्चों को ऑल पावर्स सर्व समर्थि देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? 18 जनवरी की मुरली, क्या महत्व है? बाबा कहते आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर, विल की विल पावर दे दी। तो जैसे
आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया। विल करते ना मतलब सब कुछ हवाले कर देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले भी किया कि अपने आप को, अपने संबंधों को, संपत्ति को बाबा कहते सब सर्व शक्तियों के आगे विल किया। ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल्स विल पावर्स बच्चों को विल की। वो दिन याद है सभी को जब ब्रह्मा बाबा ने शाम की मुरली चलाई, अपने रूम में बैठा, जब दादी प्रकाशमणि उनके रूम में गई, उनका हाथ हाथ में लिया और जैसे कि पूरी शक्तियां दादी को विल कर दी और बाबा अव्यक्त हो गया। तो बाबा वही बता रहा है कि उस दिन मैंने साकार रूप में क्या कर दिया, साकार रूप का पार्ट बजाने के लिए सर्वशक्ति सेना सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसीलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थि दिवस कहते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर के बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। 18 जनवरी देश विदेश सभी जगह पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाबा कहते जो उस वक्त मैंने स्मृति दी थी, समर्थि दी थी, उस अनुसार बच्चे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है, अभी त्रिमूर्ति वरदान कौन सा, शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है और साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसीलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। कौन से त्रिमूर्ति वरदान, शिव बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ सरस्वती। तो आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। जो अभी देख रहे हैं ना, सेवा इतनी इजी हो गई है, सभी साधन फैसिलिटीज क्या हो गए, इजी हो गए हैं। तो आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। हम सभी चाहते हैं ना, सभी कहे ये मेरा बाबा आ गया, सभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए। अभी बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कब हो जाए, कल हो जाए, ताकि यहां ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, बाबा कहते वो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है अभी इंपॉर्टेंट बात। बाबा को प्रत्यक्ष करना सभी आत्माओं की इच्छा है, सभी बच्चों की इच्छा है, और बाबा इसलिए पूछ रहा है सिर्फ क्या करना है। कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है, संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है, क्या? प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो, और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस
सर्वात्मा को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। कौन सा बैलेंस? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस। सर्वात्मा बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। फिर बच्चे कहेंगे प्रतिज्ञा तो हम करते हैं, तो बाबा भी वही कह रहे हैं, प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाबा के ज्ञान में आए तो सभी ने कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा तो की है ना, लेकिन बाबा कहते प्रतिज्ञा की लेकिन अभी तक प्रत्यक्षता क्यों नहीं हुई? तो बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। अभी डिफरेंस समझा रहा है बाबा, प्रतिज्ञा तो आप करते हो लेकिन का किस चीज की जरूरत है? दृढ़ प्रतिज्ञा। तो जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। तो बाबा कहता जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांस हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? किसने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, कुछ भी हो जाए धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। अगर ऐसी प्रतिज्ञा है तो कितना भी बड़ा सर्कमस्टांस क्यों ना आ जाए, तो बाबा कहते हैं फिर उसके आगे ये परिस्थितियां क्या है? क्योंकि तो जान की बाजी लगा देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। तो देखो बाबा के यज्ञ में आने के बाद हमने प्रतिज्ञा भी की है कि हम शांत स्वरूप आत्मा, हम शांत में रहेंगे, लेकिन छोटी सी परिस्थिति आती है और मन हलचल में आता है तो वो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है ना, वो सिर्फ प्रतिज्ञा हो जाती है। लेकिन बाबा कहते एक बार दृढ़ता पूर्वक अपने प्रतिज्ञा की तो कोई भी परिस्थिति मेरी स्वस्थिति को हिला नहीं सकती, कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते। लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। तो इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या है दृढ़ प्रतिज्ञा? कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। तो इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है, प्रतिज्ञा करना अर्थात, प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। अंडरलाइन करो इसको। प्रतिज्ञा तो हम रोज करते लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन अभी रियलिटी में बता, लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी क्या खेल करते हैं बच्चे? जब कोई भी समस्या व सर्कमस्टांस होता है जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है, तो उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या है? अभी सभी अपने आप को चेक करें। प्रतिज्ञा की होगी, कोई धारणा की प्रतिज्ञा होगी, लेकिन कभी कभी उस धारणा पर नहीं चलते। चलो अमृत वेला है या रेगुलर मुरली सुनना है, तो कोई परिस्थिति आ गई तो पहली वह धारणा खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते उसमें क्या देते? फिर बहानेबाजी। तो बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था।
ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सर्कमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा ये भाषा बहानेबाजी की है, और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, अभी सुनना है, दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, ऐसा हो वह वैसा हो लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। दृढ़ प्रतिज्ञा क्या कह रही है? ऐसा हो वह वैसा हो लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। अंडरलाइन अंडरलाइन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कोई बाबा का बच्चा कोई गलत कार्य करते हुए दिखता है तो इमीजिएटली हम क्या बोलते हैं, वो ऐसे कर रहा है ना तो मैंने भी ऐसा कर दिया। उसको नहीं बनना है बाप समान, मुझे बनना है ना। और इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है कि चाहे कोई कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। दूसरों को मेरे को नहीं बनाना, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। जब भी हम कहें ऐसा कि दूसरा ऐसे करे तो मैं ठीक रहूं, माना मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं उससे कि पहले आप कुछ मुझे दो तो मेरी स्थिति अच्छी। लेकिन बाबा कहते नहीं, आप किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो ना, तो दाता का बच्चा आप कैसे भी हो मुझे देना है। क्या क्या देना है? मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना है। बाबा कहते ये देना ही लेना है। तो याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। अंडरलाइन, बाबा के ज्ञान की बेसिक डेफिनेशन है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। क्योंकि जब हम स्व को देखते हैं, स्व को बदलने की कोशिश करते हैं तो परिस्थितियां बहुत आएंगी, लेकिन स्वमान में उस वक्त टिकेंगे तो हिलेंगे नहीं। तो स्वमान है ही, स्वमान कौन सा दे रहा है बाबा आज? मास्टर दातापन का। मुझे सिर्फ देना है। बाबा मुझे स्नेह देता है तो मुझे हर आत्मा को क्या देना है? स्नेह। वो कुछ भी करे, कैसी भी वो आत्मा, मुझे उसको स्नेह देना है। तो स्वमान है ही मास्टर दातापन का। तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे? क्या समझते हैं? अभी भी मुरली चल रही है तो कहेंगे हाँ बाबा हम प्रतिज्ञा करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे, उसे कभी भी हम हलचल में नहीं आएंगे। और मुरली खत्म होने के बाद इसलिए बाबा कहते कैसी प्रतिज्ञा करनी है? सिर्फ प्रतिज्ञा करके भूल जाना या दृढ़ता पूर्वक की जान की बाजी भी चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं टूटे। तो प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है, उसका पेंच भी ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन, केयरलेसनेस, अलबेलापन। वो भिन्न भिन्न रूप में आता है, अलबेलापन भी भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। क्यों? पुराने रूप तो हम जान चुके ना, लेकिन ये अलबेलापन अभी नए रूप में आएगा।
तो बाबा देखो आज कह रहा है कौन से अलबेलेपन की निशानी है। तो बाबा कहते हैं वो नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो, ये तो होता ही है, ये कहना अलबेलापन है। कौन परफेक्ट बन रहे आज तक? कोई भी नहीं, सभी पुरुषार्थी है। तो मैंने इतनी सी गलती की तो क्या फर्क पड़ता है, ये अलबेलापन है। इसलिए बाबा कहते ये तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है, ये है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। 2023 आने वाला है, जनवरी मास नजदीक है, स्मृति दिवस नजदीक आ रहा है। तो बाबा उसके लिए क्या बोल रहा है, कौन सा पुरुषार्थ अभी करना है? मुझे बाप जैसा बनना है। और कब? अभी अभी, जनवरी तक नहीं वेट करना है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार। पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। तो तीन बातें बाबा बता रहा है, प्रतिज्ञा कमजोर क्यों होती है। तो पहली तो बाबा ने बताया, बहानेबाजी बहुत करते उसमें, बहानेबाजी को प्रायोरिटी देते हैं। फिर बाबा ने कहा अलबेलापन, अलबेलापन। अभी तीसरी बात बाबा कहते, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार। पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है, नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है, कौन सी नजर तेज रहती है सारा दिन, और दूर की नजर है दूसरों को देखना। उसमें भी दूसरों को क्या देख रहे हैं, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। हम सभी चेक करें हमारी कौन सी नजर तेज है, स्व की नजर या दूसरों को देखने की नजर। बाबा कब बोलता है कि दूसरों को देखो, जब हम उनकी गुण देखे, विशेषता देखे, गुणग्राही बने, तभी ठीक है। लेकिन अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या देख रहे हैं, उनकी कमी कमजोरियां। और इसलिए उनकी कमी कमजोरी देख के हमारा उम्र उत्साह भी खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो है ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। दूर की कमजोरी, दूसरों की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। तो इसमें क्या हो जाता है फिर अलबेलापन। बड़े बड़े भी तो कर रहे हैं ना, ये तो 20 साल से ज्ञान में अभी तक ये कर रहा है, और उसको देख के मेरी स्थिति डगमग, मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा कमजोर। तो बाबा कहते तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। तो समझा कारण क्या है, तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा वा नहीं। अलबेलेपन के स्क्रू को बाबा कहते टाइट करो। कैसे करेंगे टाइट? समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, समझ का स्क्रू ड्राइवर। अभी अंडरस्टैंड तो हो गए ना, अभी समझ तो गए हैं ना, क्या राइट क्या रॉन्ग। तो बाबा कहते समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यंत्र तो है ना। तो इस वर्ष आने वाले वर्ष के लिए बाबा होमवर्क दे रहे, क्या? इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। समझना, चाहना और करना। देखो हम समझते हैं ज्ञान के आधार से राइट क्या रॉन्ग क्या, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे सोचना चाहिए, चाहते भी है ऐसा करें। लेकिन जब कर्म में आता है
तो अलबेलापन है, बहानेबाजी है, दूसरों को बार बार कमजोरी देखने की नजर है, उसकी वजह से करने में डिफरेंस हो जाता है। आज मैंने समझा कोई भी परिस्थिति आ जाए मुझे शांत रहना है, मैं चाहता भी हूं वो शांति का अनुभव करूं, दूसरों को भी दूं, लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब मैं उसको भूल जाता हूं। तो बाबा क्या कह रहा है, अभी क्या करना पड़े, समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। आज से हम ये करेंगे, समझना, चाहना, करना, सिंपल, एक एक समान बनाएंगे। बाबा कहते एक सेकंड में लिख कर देंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। बाबा आज पक्का करा रहे, दृढ़ प्रतिज्ञा कभी भी कमजोर ना, और जब दृढ़ प्रतिज्ञा हमारी प्रैक्टिकल में रहेगी तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। और दृढ़ प्रतिज्ञा सिर्फ धारणा माने फिजिकल धारणाओं में नहीं होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा शुरू होती है हमारी मन की स्थिति से। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हलचल में नहीं आना है, चाहे कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे मुझे उसके साथ प्यार से व्यवहार करना, ये चाहिए दृढ़ प्रतिज्ञा। तो क्या ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हमने की है, या अभी तक आत्मा जैसे बिहेव कर रही है दूसरी आत्मा वैसे ही मैं बिहेव कर रहा हूं, तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी, फिर तो नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी आप कर रहे हो, समझना, चाहना, करना, ये मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना, मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा, चिटकी पर नहीं बोल रहा है बाबा, यहां पर बाबा कहते यहां पर सभी ने लिखा, दृढ़ संकल्प की स्याही से लिखा। क्या लिखना है, समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाना है। बाबा कहते सभी ने लिखा, पक्का, कच्चा तो नहीं ना कि जो दिन दो दिन में मिट जाए, करना ही है। बाबा बहुत स्ट्रिक्टली आज बोल रहे हैं, करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा, नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे। तो आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहां हैं लेकिन मन से मधुबन में है। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। तो सभी जो मुरली सुन रहे वो अनुभव करें, बाबा अपने स्नेह की माला मेरे गले में डाल रहा है। तो हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता लेकिन सभी की स्नेही मूरत भी इमर्ज हो जाती है। इसीलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, तो सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को
समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो क्या चाहता है बाबा हमसे? बाबा पहले तो चाहता है सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं करनी, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी। जान भी चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, जो साकार में बाबा कहते हैं ना बहुत बार, धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं छूटे। तो ये सूक्ष्म प्रतिज्ञा हमें सबको चेक करनी है, क्या मेरी वो सूक्ष्म प्रतिज्ञा जो यहाँ पर मैंने अपने स्थिति के लिए की है, क्या वो दृढ़ है? और उसके लिए बाबा ने कहा, अलबेलापन है, बहानेबाजी है, दूसरों को देखने की नजर है, उसको पहले चेंज करना है, राइट? तो बाबा वही कहता है कि चाहे कोई कैसा भी हो, मुझे बाप समान बनाना है, मुझे उसको नहीं बनाना है बाप समान, वो उसका पार्ट वो देख लेगा, पहले मुझे बाप समान बनना है। तो ये खुद के ऊपर अटेंशन, उसमें बहानेबाजी नहीं देना, ये ऐसा है इसीलिए ऐसा हो गया, नहीं। और दूसरी चीज बाबा ने कही, अलबेलापन, ये तो होता ही है, ये बड़े बड़े भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो हमने किया तो क्या। तो ये अलबेलेपन के स्क्रू को पहले पक्का करना है समझ के स्क्रू ड्राइवर से। और दूसरों को जो देख रहे हैं, उनकी कमजोरियां जो देख रहे हैं, जिससे मेरा उमंग उत्साह कम हो रहा है, उसको भी चेंज करना है। तो बाबा ने कहा, अपने प्रतिज्ञा को जितना दृढ़ करते जाएंगे, उसको कमजोर होने नहीं देंगे, उतनी बाप की प्रत्यक्षता होगी। और इसलिए बाबा ने कहा, समझना करना, समझना चाहना और करना, तीनों एक समान बनाना है, और उसको हमारे मस्तक पर दृढ़ संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञा की स्याही से लिखना है। तो ये थी बाबा की आश अपने बच्चों के प्रति। तो हमें क्या करना पड़े अभी? अपनी समझ, अपनी चाहना और करना, प्रैक्टिकल में वो दिखाई दे। जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे, अपनी स्थिति के द्वारा, बोल के द्वारा नहीं, स्थिति के द्वारा, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, अभी दादियों से मुलाकात। बाबा कहता, सभी दोनों ही विल के प्राप्त पात्र, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। तो विल पावर आ गई ना, विल पावर की विल, विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। तो ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, दादियों को देख के कोई कोई को लगता होगा ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी। तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसीलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। दादियों ने वो हिम्मत दिखाई है, जैसे दादी जानकी इंग्लिश भी नहीं जानती थी लेकिन भेजा लंदन में, लंदन में मधुबन का मॉडल तैयार करो, और दादी ने करके दिखाया। और इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ऐसे हर एक दादी की वो विशेषता है। तो बाबा कहता, विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखी, इसलिए बाप की पदम गुणा मदद मिल गई। तो एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के, इसीलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही, निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। पहले दादियों से बाबा बात कर रहा था, अभी सभा से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा हमें भी सबको पूछ रहे हैं, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किसमें हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है,
और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो, ऐसा लगता है ना। बाबा वही कह रहे हैं कि अभी दुनिया की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे जो श्रीमत पर चल, वो तो हमेशा खुश है, हमेशा मौज मना रहे हैं। तो कहते आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे। वह मुंझे हुए हो कि क्या करना है, क्या होना है। आप कहते हो कि सब अच्छा होना है। तो कितना अंतर है। वो लोग कंफ्यूज है क्या होगा अभी मालूम नहीं, और हम क्या कहेंगे? जो होगा बहुत अच्छा होगा। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। क्या है हमारे पास? जो भी मन में संकल्प आए, बाबा ने ड्रामा के राज ऐसे बताए हैं कि फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और दुनिया में क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं, ये सब क्वेश्चंस हैं। बाबा के बच्चों के पास है फुल स्टॉप। तो कैसे फुल स्टॉप लगाएंगे? बाबा कहते जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा। जो हुआ सो अच्छा, जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाल मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? बाबा कहते मृत्यु का, ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में तो दिखाई नहीं देंगे ना, चलो उस वक्त तो नहीं डरे, लेकिन ऐसा उसका इफेक्ट हो गया कि सपने भी वैसे आ रहे हैं। बाबा कहते ऐसा तो नहीं होगा ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, क्योंकि आने वाली परिस्थितियां बहुत डरावनी होगी, लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा निर्भय। न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। तो ऐसा निर्भय हो, या थोड़ी थोड़ी कमजोरी है, चेक करें कि हमें डर लगता है किसी चीज का, या अभी निर्भय बन चुके हैं। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। टाइटल है सर्वशक्तिया ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सर्वशक्तिया ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा कहता सभी अपने को सदा माया जीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। शक्तियां, बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में बोला ना, शक्तियां तो तुम आप सबको दे दी है, लेकिन हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको? यथाशक्ति, जरूरत पड़ती है तो वो आती ही नहीं है। तो बाबा कहते अगर शक्तियां कंट्रोल में नहीं कि आप ऑर्डर करो और नहीं आ रही, तो बाबा कहते फिर कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। तो ऐसे ऑर्डर में है, हम चेक करें जब भी परिस्थिति आती है क्या उस वक्त शक्तिशाली बनकर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, या सब गड़बड़ करने के बाद शक्ति याद आती। तो बाबा कहते जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए। जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। हे मास्टर, और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर
चेंज करो। अगर कोई शक्ति है समाने की शक्ति, मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाता हूँ, छोटी छोटी बात में मेरी जिद पर अड़ जाता हूँ, मन अपने आप को मोल्ड करने की ताकत नहीं है मुझे परिस्थितियों में। तो बाबा कहते ऐसे हर एक शक्ति को चेक करो कि कहने के लिए तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियां तो मेरा ऑर्डर मान ही नहीं रही है। तो इसलिए बाबा कहते सदा चेक करो और चेंज करो, कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। और सिर्फ अष्ट शक्तियां नहीं, बहुत सारे पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी तो है। चाहता हूं मैं योग में बैठना लेकिन मन भटक रहा है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा है, तो ये भी तो शक्ति की कमी है। तो बाबा कहते ऐसे चेक करो कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। कहने के लिए क्या है, विश्व राज्याधिकारी, और यहां पर शक्तियों के ऊपर ही अधिकार नहीं। तो बाबा कहते क्या ऐसे बनेंगे, विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर, पहले स्व पर राज्य फिर विश्व पर राज्य, तीन पावर्स कनेक्टेड है, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर, और जिसके पास ये दोनों है उसको मिलती हैंडलिंग पावर। हम खुद को और दूसरों को हैंडल कर सकते हैं। जनरली हमारा फ्यूज क्यों उड़ जाता है दूसरों को हैंडल करते हैं, क्योंकि मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं। अगर मेरा कंट्रोल खुद के ऊपर है, मैं रूल कर रहा हूं खुद के ऊपर, राज्य कर रहा हूं, तो दूसरा कोई कैसा भी हो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति गड़बड़ नहीं हो रही है। तो बाबा वही कहता है, पहले स्व पर राज्य फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। जो कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, वो करके दिखाएंगे, माने शक्तियों को ऑर्डर करके उसको यूज करके दिखाएंगे समय पर, ऐसे नहीं एक घंटे के बाद, नहीं। तो जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान, जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और करने में कभी विजय है कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना, तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। पहले भी बाबा ने कहा समझना चाहना और करना समान, तभी समझा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, चाहता भी हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनूं, हर वक्त हर शक्ति को मैं यूज करूं, जिसकी जब जरूरत है वो शक्ति को ऑर्डर करूं और वो मिल जाए, लेकिन करने में चेंजेस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी इस फर्क को क्या करो, समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करो। इवन सिंपल प्रिंसिपल, हम एक दूसरे को पहले क्या बोलते हैं, ओम शांति। तो ओम शांति का अर्थ क्या है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब ये कह रहे हैं ओम शांति कह रहे हैं, प्रैक्टिकल में गुस्सा कर रहे हैं। तो कहना और करना डिफरेंट हो रहा है ना, इसलिए बाबा कहते जो कहते हो ओम शांति कहा ना, तो मैं शांति से व्यवहार करूं। तो जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करो, दूसरे भी समझे कि ये आत्माएं कुछ न्यारी है, चाहे हजारों लोग लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है न, कलयुग में इस लोक के लोग है ना, इस लोक के माना यहाँ के कलयुगी संस्कार कलयुगी स्वभाव उसके ऊपर चलने वाले, हम इस लोक से परे हो गए ना, तो अलौकिक है, इस लोक के नहीं है। तो हमारा व्यवहार हमारी चाल चलन बाबा के लिए न्यारी दिखाई दे, तो ये अलौकिक जन्म है न, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन साधारण जीवन नहीं, ऐसा अनुभव करते हो। क्या लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे ये, अभी क्या समझ रहे हैं, हर कोई अपने को चेक करे। क्या वो लोग भी कहते हैं, हमारे घर वाले स्पेशली कहते हैं कि आप में कुछ चेंज नहीं आया है अभी तक, आप वैसे के वैसे ही हो,
या वो कह रहे कि हाँ सीरियसली आप डिफरेंट हो गए, चेंज हो गए, तो न्यारे बनने की निशानी है जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहां तक बने ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव करो। ऐसे नहीं सेंटर पर अलग बिहेव कर रहे हैं, घर में जाकर वैसे के वैसे हो रहे हैं, नहीं, लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव करो। तो न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, क्या है न्यारे बनने की युक्ति? जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना ही प्यारे लगेंगे। तो देह भान से न्यारा, तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो, देह भान से न्यारा रहते हैं, देह भान से न्यारी में आत्मा, तो आत्मा के गुण दिखाई देंगे। हर एक आत्मा से बात करेंगे तो उनकी विशेषताएं दिखाई देंगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे देह के भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हो। देह के भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। तो बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। होमवर्क सारे दिन में आज काम करते करते क्या प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा अवतरित हुई हूं, कर्म किया डिटैच्ड, कर्म के बाद वेट नहीं, डिटैच परम धाम निवासी हो गई। तो देह में प्रवेश होकर कर्म कर रही हूं मैं आत्मा और अभी अभी न्यारे हो जाए। तो अभी देखो सभी आत्माएं मुरली सुन रही है कानों द्वारा, अभी मुरली सुनी, एक सेकंड साइलेंस, परम धाम निवासी हो जाओ। हम ड्रिल करेंगे, अभी वापस शरीर में। तो जब हम डिटैच हो जाए तो इस दुनिया के कोई संकल्प न रहे, सिर्फ मैं और बाबा। अभी वापस आएंगे, अभी कानों को यूज करके फिर से मुरली सुनेंगे। बीच बीच में ये प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। न्यारा माना कर्म किया डिटैच्ड, उसके बाद उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो डबल फायदा है ना, कर्म भी अच्छा हो रहा है, बाप के प्यारे भी बन रहे हैं, सबके प्यारे भी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फायदा हो गया ना, डबल फायदा है, परमात्म प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। देखो भगवान स्वयं हमें प्यार करता है, तो बाबा कहते हैं इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनना सबके बस की बात नहीं है, सबका भाग्य नहीं है, वो हम बच्चों का भाग्य है। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला, आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो? बाबा पूछ रहे सभी को,
सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, तो बाबा ने इसमें क्या बोला है कि हमारी सर्वशक्तियां ऑर्डर पर काम, ऐसे नहीं आज ऑर्डर कर रहे फिर एक घंटे के बाद आ रही है, नहीं, दैट विल नॉट वर्क। क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति भी तो चाहिए। तो बाबा वही कहते हैं कि जो कहते हो वो करके दिखाना है, सिर्फ कहना वाचा द्वारा लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ अलग नहीं। तो अलौकिक जन्म मिला है, तो बाबा कहते हैं आपका लौकिक में भी अलौकिकता डिफरेंट दिखाई दे, कि आत्मा अलग है, न्यारी है। और उसके लिए बाबा कहते हैं कि बार बार ये प्रैक्टिस, देह के भान से न्यारा होने की प्रैक्टिस हमें बढ़ानी है, ताकि हर कर्म में भी न्यारे होते जाएंगे तो वो कर्म भी सक्सेसफुल, बाप के भी प्यारे बनेंगे, सर्व के प्यारे बनेंगे, तो डबल फायदा हो जाएगा। अच्छा, वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के तीन सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के तीन सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं, और उससे असंतुष्ट रहते दूसरे उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के तीन सर्टिफिकेट है, एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, बाबा भी मुझसे संतुष्ट हो, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। सिर्फ अलौकिक नहीं, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये तीन सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। तो बाबा कहते हैं मैं अपने पुरुषार्थ से, मैं अपने ड्रामा में पार्ट से संतुष्ट हूं। क्या मैं बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहा हूं कि बाबा भी कहे कि हाँ मैं इस बच्चे से संतुष्ट हूं। और जो आत्मा एक्यूरेट श्रीमत पर चल रही है उससे लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार संतुष्ट रहेंगे। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपको अगर मिले तो टाइटल मिलेगा कि संतुष्ट मणि आत्मा। तो सूक्ष्म वतन में अभी अनुभव करेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, और बाबा वरदान दे रहा है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के तीन सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना यह सबसे बड़ी खुशनसीबी है। याद और सेवा में बिजी रहना, सदा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो बाबा ने आज क्या कहा, दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार बाबा ने कहा स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। और स्वमान के लिए बाबा ने कहा चाहे कोई कैसा भी हो हमें उसको देना है। तो आज हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर दाता हूं, मैं मास्टर दाता हूं। बाबा ने कहा ना आपको लेकर देना नहीं है, वो ऐसा करे तो मैं ठीक नहीं, वो कुछ भी करे तो भी मैं उसके साथ व्यवहार अच्छा करूं, उसको भी कुछ ना कुछ गुणों का शक्तियों का दान दूं। और इसीलिए मेरा आज का स्वमान क्या रहेगा, मैं मास्टर दाता हूं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे 11 तारीख
बाबा कहता ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए तो सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट स्वतः मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहेब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी नहीं करना है। ऐसे तो नहीं बाबा ने कहा मैं अपने आप संतुष्ट हूं बाकियों को कुछ नहीं, नहीं बाबा कहते सच्चे साहिब को राजी करना है। तो देखो बाबा आज क्या कह रहे हैं मुरली से रिलेटेड, सच्चे साहिब को राजी करना है तो अलबेलेपन का चश्मा उतार कर स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन कर रखो। बाबा ने कहा ना स्क्रू ढीला क्यों हो रहा है, कौन सा अलबेलेपन की वजह से, दृढ़ प्रतिज्ञा का स्क्रू ढीला है ना तो क्यों अलबेलापन आ रहा है। तो बाबा कहते अभी वो चश्मे को उतारो और क्या करो स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर रखो। अच्छा ओम शांति।